में इमरजेंसी सर्विसेज 1122 की पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर कानून राणा सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने तहसील सतह पर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लाहौर से मजीद बताएंगे सैयद वकार हुसैन। ठोकर नियाज बेग पर रेस्क्यू एकेडमी में ये 1122 रेस्क्यू सर्विसेज के जवान हैं जो पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकार जिस तरह जान पर खेलकर इंसानी जानों को मुख्तलिफ हादसात में बचाते हैं वो मशकें भी पेश की गयी। सूबाई वजीर कानून राणा सनाउल्लाह ने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और 1122 के जवानों की तारीफ की और कहा की पंजाब हुकूमत ने तहसील सतह पर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। रेस्क्यू सर्विस का बजट भी बढ़ाकर 4 अरब से 5 अरब 35 करोड़ कर दिया गया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सबसे पहले 12 तहसीलों में रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी जिस पर 67 करोड़ रुपए लागत आएगी। उनका कहना था कि रेस्क्यू की खिदमत के तनाजर में 1122 का दायरा कार पंजाब भर में फैला दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू एहलकारों का मकसद सिर्फ तनख्वाह लेना और रैंक में इजाफा करना नहीं होता, उनका बुनियादी काम दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। सूबाई वजीर ने आखिर में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड से भी नवाजा। कैमरामैन फहद भट्टी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर।